हेलो वेलकम टू तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन करंट फीलिंग्स योर पार्टनर ठीक है नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए सी चेक करते हैं वेट ओके ठीक है नो कम्युनिकेशन करंट फीलिंग्स वेट ये इतने सारे हैं ना कि मिलते नहीं हैं कार्ड्स ठीक है ओके नो कम्युनिकेशन करंट फीलिंग्स इस वक्त इस नो no कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं ठीक है लेट्स सी देखते हैं अपने जिस भी पर्सन के साथ आप नो no कम्युनिकेशन में हैं आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं स्पीड राइड वीडियो को लाइक कर दीजिए मुझे सपोर्ट मिलती है मेरी सारी रीडिंग होती है जब भी आपके सामने में आपसे कर सकती है मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडिकेटिंग नहीं करती है। अगर आप लड़की तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें ठीक है नो कम्युनिकेशन देर फीलिंग्स

डिस्टर्बशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है ठीक है अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट का शिकार हुआ हुआ इस वक्त डिस्टर्ब है खुश नहीं है जहाँ भी ये है, हैप्पी नहीं है बहुत ज्यादा खुद को बिखरा हुआ टूटा हुआ फील कर रहा है पेशेंस की एनर्जी है ठीक है ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा मतलब कि ये पर्सन ऐसा है इसके अंदर ऐसा पेशेंस है ये अपने अपने अंदर की नेगेटिविटी दिखाता नहीं है अगर आपको कहीं सोशल मीडिया साइट पे दिख रहा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चिल है मतलब कि नॉर्मल इसके लिए कोई कोई बड़ी बात नहीं हुई ठीक है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन अंदर से डिस्टर्ब है जब ये इंसान अंदर से ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो लोगों के साथ कनेक्ट होना अपने आप को ज्यादा खुश दिखाने की कोशिश करता है ठीक है डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा एक डिस्टर्ब सिचुएशन बनी हुई है टूट फूट का शिकार है थोड़ा सा बिखरा हुआ फील कर रहा है अपने अंदर अपने आप को ठीक है मतलब के की फीलिंग्स इस पर्सन की नॉट गुड ठीक है पेशेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा पेशेंस सबर वाला इंसान है पेशेंस है बहुत ज्यादा पेशेंस इस पर्सन में ठीक है मतलब के ये हर चीज को पेशेंस रख कर चलता है ठीक है लेट्स सी स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है लास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट आप लोग तो का को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है डिफिटेड फील करा इसने पास में मतलब कि कुछ आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कुछ डिफीटेड फील करा है इसने ऐसा लग रहा है इसको शायद ये कुछ ऐसे आपके मामला थे कुछ आप लोग के ऐसे प्रॉब्लम थे जैसे कुछ ऐसी आप लोग की आर्ग्यूमेंट्स थी जहाँ पे इसने डिफीटेड फील करा कुछ टाइम से ही आपसे शायद गलत चीजों पर आर्ग्यूमेंट कर रहा था कुछ क्लैरिटी कुछ रियलिटी इसको मिली है रियलिटी इसने देखी है ठीक है कुछ क्योंकि खुद डिस्टर्ब हुआ हुआ है शायद ये इसका बिलीफ सिस्टम कुछ और था किसी और चीज़ को लेकर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था बहुत ज्यादा यकीन कर रहा था मतलब कि किसी ने आपके बारे में गलत बात करी या किसी के रिलेटेड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से शायद बहुत टाइम तक एक डिसकनेक्शन सा रहा है डिफीटेड फील कर रहा है फिलहाल ठीक है जैसे इसने खुद को ही अपने आप को जैसे इसको आपसे अगर कनेक्शन और फीलिंग्स फील भी होती थी तो बहुत ज्यादा डिसकनेक्ट है ठीक है

कुछ गलत चीज़ों पे यकीन या कुछ गलत डिसीजन दिए किसी गलत इंसान को चूज करा है कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया है इसको पता है कि जिसकी वजह से इस कनेक्शन पे बहुत ज्यादा इस चीज़ का इफेक्ट रहा है बहुत ज्यादा असर रहा है ठीक है एक एक गहरा असर रहा है इसकी मूवमेंट चॉइजेस एंड डिसीजन इसको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है कुछ चॉइज करनी है ठीक है यहाँ पे ये पर्सन करेंटली इस वक्त ये पर्सन बहुत आ, सोच समझ कर चूज करना चाहता अपनी लाइफ का एक पाथ अपनी लाइफ का एक कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता शायद वो एक मतलब के बहुत ज्यादा टाइम तक वो डिसीजन मेकिंग इसकी लाइफ पे असर करे ठीक है वो डिसीजन इसकी जिंदगी पे इम्पैक्ट डाले बहुत लंबे अरसे तक क्योंकि कुछ चूज करना है इसने बहुत ज्यादा मतलब के स्ट्रोंगली ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ के फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है ठीक है Chakra, है, and and ए, है? ठीक मटेरियल एंड हार्वेस्ट एंड द पावर बहुत ज्यादा गाइडेड पेशेंस इसलिए गाइडेंस ले रहा है डिवाइन से ठीक है बहुत ज्यादा सोच समझ कर डिसाइड करना चाहता है लेट्स सी देखते हैं इस वक्त पर, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए ठीक है ट्रैप फील करता था खुद को ठीक है जो भी कन्फ्यूजन थी जो भी रियलिटी थी जो भी चॉइस थी इसने कुछ गलत चूज करा है कहीं से मूव ऑन हो रहा है ये पर्सन ठीक है एंड बहुत एक मैनोपलेटिव माइंड गेम्स खेले इसने पास में आपके साथ न्यू uh, बिगनिंग कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन ठीक है अब उन सब माइंड गेम्स से नेगेटिविटी से मैनुपलेन वाली एनर्जी से क्योंकि मैनुपलेट करके डिस्टर्ब करके इसने रिश्ते को खराब करा आपको तकलीफ दी आज ये खुद तकलीफ में है पीस में नहीं है ठीक है. है, है कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है माइंड गेम्स से निकलना चाह रहा है ठीक है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट मैंने कहा ना कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहा है कुछ न्यू करना चाह रहा है सॉलीट्यूड की एनर्जी है भाई ये अपने माइंड गेम्स वाले टाइम से ये मूव ऑन कर रहा है अगर इस कनेक्शन के लिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो करेगा सक्सेस के लिए यहाँ पे सैक्रीफाइस करना पड़ेगा तो जरूर करेगा अवेयर है ठीक है इस कनेक्शन के एक इम्पोर्टेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर यूनिवर्स इसको गाइड कर रहे हैं एक अवेयरनेस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर को आपके पर्सन काफी हद तक एक अवेयरनेस में है ठीक है आपके पार्टनर को पता है कि यहाँ पर ये रिश्ता आपके पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आउटकम के लिए है ठीक है

मतलब कि किसी किसी वजह से आपसे डिस्टेंस पे था, प्रोटेक्ट कर रहा था खुद को, एक डिस्टेंस, एक ये सब कुछ करने के बाद खुद बहुत ज्यादा अकेला हो चुका है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कुछ गलत चॉइस करा कुछ गलत डिसाइड करा कुछ गलत एज्यूम करा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रही है आप लोगों के बीच लेकिन ये पर्सन इसने उस वजह से बहुत माइंड गेम्स खेले आपको ना अपना टाइम दिया है ना अपना वक्त दिया है मतलब आपके आप एक बहुत बैड इमेज क्रिएट हो चुकी इस पर्सन की आपकी नजर में ठीक है डिस्ट्रप्शन क्लैरिफाइड क्लैरिफाइड डिस्ट्रप्शन दुवीन. मैंने कहा ना कुछ जैसे वक्त यहाँ पर कुछ डेस्टिनी का चेंज है ठीक है कुछ डेस्टिनी में चेंज आ रहा है ये जैसे वक्त बदल रहा है ठीक है इसको समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर एक अवेकिन कुछ रियलिटी कुछ जैसे अवेकिन होना ठीक है जजमेंट की एनर्जी मतलब कि कुछ टाइम ये डिसाइडेड था इस टाइम पे जैसे ये व्हील चेंज होना था टर्न होना था या तो इस पर्सन को इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी थी ठीक है स्नो नो कॉन्टेक्ट में ये पर्सन कुछ ट्रुथ फेस कर रहा है ठीक है एक व्हील ऑफ़ फॉर्चून कुछ चेंज करना चाहता है यहाँ पे न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी यहाँ पे व्हील की एनर्जी मतलब कि जो ये पास्ट में सब कुछ कर रहा था आपके साथ ये चाहता है अब किसी और तरीके से इस रिश्ते को और अच्छे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था

बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है क्योंकि ये लव इसको अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट था अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो गई कोई कन्फ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई कहीं किसी और को चूज़ किया था वहाँ से भी क्लैरिटी मिली मतलब कि

यहाँ पर अब कुछ फील हो रहा है इसको डिवाइन ने कुछ अच्छा दिया था कुछ बेहतर दिया था और इसने उस चीज को चूस नहीं करा ठीक है चूज उसने बहुत सोच समझ कर कुछ चूज करना चाहता है हैंगमैन की एनर्जी में स्ट्रक है अपनी लाइफ में कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा अकेला है सिंगल है ठीक है सिंगलहुड की एनर्जी बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ है बहुत ज्यादा सोच रहा है समझ रहा है बहुत ज्यादा मतलब कि एक मतलब कि कुछ बैलेंस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ना चाहता है कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं रहना चाहता जिसमें ये आगे जाके स्टक हो जाए या इसकी लाइफ कोई स्टकनेस की तरफ जाए ठीक है आपके पार्टनर की लाइफ ठीक है ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ जरूर कर रहा था तो कुछ क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ेगा ठीक है कुछ क्लियर कट ये डिसाइड करेगा फिर आगे बढ़ेगा लेकिन कुछ स्ट्रकनेस है आपके पर्सन स्ट्रक है आपके ऊपर ही स्ट्रक है चाहे ब्रेकअप है नो कम्युनिकेशन है करंट फीलिंग्स यही है स्ट्रक है ठीक है लेकिन इमोशनली अकेला हो चुका है इमोशनली इस पर्सन को लव की जरूरत है चाहे कितना ही डिफेंसिव लव लव से लेकिन इसके लिए लव एक चीज़ एक चीज चीज है फैमिली है मून फेयरफुल है इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या हो सकता है ठीक है अः मतलब की सिचुएशन अब क्या करवा सकती है कहाँ लेकर जा सकती है बहुत ज्यादा फेयर है मतलब के कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक हिडन भी है इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद अब चीजें फेथ फेथ रख रहा है डिवाइन पे बहुत ज्यादा फेथ रख रहा है कि चीजें डिवाइन अपने तरीके से अनफोल्ड करेंगी ठीक है डिवाइन अपने तरीके से पर्सन को कुछ ना कुछ देखेंगे कुछ ये एक फेथफुल है एक्शन लेने से पहले ये कुछ क्लियर कट पिक्चर्स को क्लियर कट पिक्चर को देखना चाहता है क्लियर कट सिनारी को समझना चाहता है पैरफाई न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग के लिए कुछ वेट चल रहा है पैरफाई न्यू बिगनिंग कुछ वेटिंग एनर्जी है न्यू बिगनिंग के लिए वेट चल रहा है टू कार्ड्स एक साथ वन कार्ड ठीक है टाइम ऑफ पैंटेगर भाई ऐसा हो सकता है न्यू बिगनिंग या ये मैरिज और कमिटमेंट अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली आप किसी रिलेशनशिप में जाने का इसका माइंड नहीं है फेथफुल है डेस्टिनी अपने मतलब कि अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहा है फ्यूचर स्पाउस के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है बिल्कुल कोई स्टेबल और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहता है क्लियर कट होके मतलब के उधर ही इन्वेस्ट करे जाओ जो उसका फ्यूचर स्पाउस हो जो उसका फ्यूचर पार्टनर हो ठीक है मतलब कि कुछ ऐसे इसका ट हो चुका है अब इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना जो भी हुआ आप लोगों के बीच उस चीज का रिग्रेट तो है लेकिन इसका एक माइंड इस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है कि इसको अब अपनी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में रखना है मतलब मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है अपने का वेट कर रहा है अपने फ्यूचर पार्टनर का टेन टेन की एनर्जी कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रॉन्गली एंड हुआ है मूव ऑन एंड टेन कुछ आप लोग का पास्ट करना बैलेंस हो चुका है कुछ एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में

जो आपके पार्टनर ने चूज किए जो आपके पर्सन ने डिसीजन मेकिंग करे वो कितने गलत थे आपके पर्सन को इस चीज का एहसास दिला के गया लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर अब अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अवेयरनेस किस बात की आपके पार्टनर का अवेयरनेस है आउटकम में फीलिंग्स थोड़ी सी ऐसी हैं डिस्टर्ब है ये पर्सन ठीक है ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है ठीक है अब ये कुछ किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में और ख़ास तौर पर अगर ये आपके लिए कमिटमेंट और रिलेशनशिप की बात चल रही है तो यहाँ पर ये पर्सन अब आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस देना चाहता है इस पर्सन को ऐसा लगता है मैरिज और स्टेबिलिटी यहाँ पर मतलब कि अब आपको जान चुका है आपको समझ चुका है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी और मैरिज देना कोई बुरी बात नहीं है ठीक है अवेयरनेस कुछ न्यू बिगनिंग में अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है ठीक है एज में बड़ा हो सकता है मिच्योर पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा अनएक्सप्रेसिव हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करता ठीक है नो कॉन्टेक्ट में है तो बता भी नहीं रहा थोड़ा सा डिस्टर्ब है ठीक है वील डेस्टिनी इसको लग रहा है डेस्टिनी में लिखा था जो हुआ इस चीज़ का अफसोस है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई मिस आप तो की थी कुछ था ऐसा जो गलत था मतलब कि जो राइट ही नहीं था उस चीज को एज्यूम कर बैठा था किसी पास्ट डिफीटेड एनर्जी से मूव ऑन होना चाह रहा है कुछ इसने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज से निकलना चाह रहा है सेल्फ अवेयरनेस कुछ चैप्टर्स क्लोज कर रहा है अपनी लाइफ के अगर आ, उन गलत लोगों के फेजेस देख चुका है जो जिनको ये आपके साथ जगल कर रहा था जो डिफेंसिव लोग थे जो उसकी लाइफ में चॉइसेस नहीं बॉदर्स के पास ऑप्शंस थे उन सबको क्लोज कर रहा है मतलब कि कुछ ए, एक एक अपनी लाइफ में कुछ न्यू फेज वर्ल्ड का कार्ड है ऑफ ऑफ सोर्ड एंड पे मतलब कि कोई एक आ रहा है आपके रिलेशनशिप में कुछ एक कम्पलीट हो रहा है कोई एक फेज मुकम्मल तौर पे कम्प्लीट हो रहा है इस पर्सन के पास ऑप्शन भी बहुत ज्यादा थे कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा था ये पर्सन अब डिफेंसिव हो रहा है अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है ऑप्शन को क्लोज करना चाहता है कुछ डिसीजन मेकिंग एक न्यू जर्नी के लिए कुछ स्टार्ट करना चाहता है पैरफ आई सेक्रीफाइस ये पर्सन सेक्रीफाइस कहाँ कर रहा है पैरफ आई सेक्रीफाइस

इनर सेल्फ इनर जर्नी पे जा चुके हैं मतलब कि आप खामोश होके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं ठीक है एक अब आप डिस्टेंस पे हो चुके हैं आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया यहाँ पे पानी पी रही थी मैं ठीक है और ये कोई प्लीज मिस्टर डी आपका नाम है या तो आपका वो जो भी है यूजर नेम सिर्फ डी है प्लीज़ आप एक नेगेटिव कमेंट्स या जो भी है आपके दिल में आपके पर्सन के लिए आपके पार्टनर के लिए आप कमेंट सेक्शन में मत डालें बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको रीड कर रहे होते हैं सबके ऊपर उनका उसका इम्पेक्ट होता है तो प्लीज आप इस चीज़ को मत करें ठीक है मुझे मजबूरन आपको अपने चैनल से ब्लॉक करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करना बंद नहीं करेंगे नाम का कोई ग्रीन कलर की आपकी आ, मतलब कि आपका जो भी है आपका अकाउंट है जो भी ग्रीन कलर की आपकी पिक्चर है उस पर प्लीज ऐसा मत करें मैं नहीं चाहती और पीसफुली आप हर चीज एक नॉर्मली नॉर्मल normal तरीके से भी आप देख सकते हैं आपके जो ग्रजेस हैं किसी पेपर पे लिख दें किसी डायरी पे लिख दें और उसको फिर जला दें कुछ भी कर दें आप ठीक है लेकिन नीचे मत लिखें कमेंट सेक्शन में मत लिखें बहुत से लोग रीड करते हैं क्या इम्पेक्ट पड़ता है आप लोग प्यार करते हैं क्या करते हैं मतलब कि किसी इंसान को अगर कोई इंसान दिल से चाहता है तो उसको ख़ुदा ना खास्ता कोई किसी तरीके की बदुआ देना तो कोई ये तो आ, कहीं की भी एक इंसाफ ना हुआ ठीक है तो ऐसा मत करें आप देखें ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक लव बहुत अच्छी चीज़ है ये ये एक कनेक्ट होने का नाम है ठीक है एक पीस देने का नाम है ये थोड़ी कि आप किसी को आप कुछ भी बोल रहे हो ठीक है ऐसे नहीं करते ना एब्यूज कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें और ना ही कोई आप इसके कमेंट सेक्शन में आप कोई ऐसी नेगेटिविटी डालें जिस भी आपकी जो भी हिना वगैरह हैं तो प्लीज़ ठीक है प्लीज़ अंडरस्टैंड ठीक है आप आइंदा आप ऐसा ना करें मैं आपसे उम्मीद ऐसे ही करूंगी कि मैं आइंदा इस तरीके के कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ना देखूं आपको जो बोलना है जो लिखना है अदरवाइज तो आप भी ना बोलें रजस मत रखें ठीक है नेगेटिविटी मत रखें और अगर आप रख रहे हैं तो आपको लव नहीं है ठीक है सिर्फ टाइम पास ही ठीक है फ्री ऑफ शूट की एनर्जी है ना हर्मिट की ये पर्सन जानता है कि आप हर्ट हैं ठीक है बेहद हर्ट है हर्मिट की एनर्जी आप काफी ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं बेहद आपको जैसे तार तार किया गया आपके दिल बहुत ज़्यादा है परेशान है आप तकलीफ में है यूनिवर्स यहाँ आपके पर्सन एहसास कर रहे हैं आपका ठीक है जो आपकी बैट कर्मा चल रहा था ना ये आपके पार्टनर को समझने नहीं दे रहा था ना वो क्या कर रहे हैं आपकी तरफ ये पर्सन यूनिवर्स आपके पार्टनर का पुश कर रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर एक एक्शन लें आपकी तरफ ठीक है क्योंकि आपके पर्सन खुद एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पर्सन को शेल्टर चाहिए।, को चाहिए जो उनको अंडरस्टैंड कर सके आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करने के लिए यूनिवर्स आप चाह रहे आपके पार्टनर को पुश करना ठीक है आपके, मतलब आपके पर्सन की तरफ आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज कर सकते हैं एंड सक्सेस पैलेस ऑफ कॉइन एंड जज भाई आपके पर्सन आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग कर सकते हैं ठीक है इस रिश्ते में काम करने के लिए आपके पर्सन का कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है आपके पर्सन एफर्ट डाल सकते हैं अगर इस पर्सन ने कभी एफर्ट नहीं डाली इस रिश्ते में तो ये पर्सन इस, इस रिश्ते को हील करने के लिए यहाँ पर एफर्ट कर सकता है ठीक है आपके पर्सन के माइंड में स्नो कॉन्टेक्ट में चल रहा है कि आपके पर्सन जैसे मतलब के अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना आपके पार्टनर का ये अंडरस्टैंड कर रहा है ये पर्सन समझ रहा है कि बहुत ज्यादा आपको हर्ट किया गया है चाहे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कुछ भी था आप अपने इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को बताते नहीं है ठीक है अपने इमोशंस को डिस्कस नहीं करते आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपका आपको दिल दुखा दिया आपका आपको हर्ट कर दिया है आपको बहुत ज्यादा पेन दे दिया है और जबकि उस पेन के हकदार आप नहीं थे ठीक है आप तो प्यार आप तो लव आप आप इस पर्सन को खुश देखना चाहते थे और खुशियां देना चाहते थे ठीक है आपके माइंड आपका इस पर्सन को खुशियाँ देने का था खुश देखने का था लेकिन पता नहीं कैसे एक गलत इम्पैक्ट रहा ठीक है अटैचमेंट रही कुछ कर्मा था यहाँ पर कुछ आप लोगों के बीच नेगेटिविटी क्रिएट हुई लेकिन डेस्टाइन था डेस्टिनी में था आप लोग डेस्टिनी की वजह से मिले ठीक है डिवाइन की वजह से मिले यहाँ पर थेके? लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन कुछ रियलाइजेशन एहसास कर रहे हैं आपका ठीक है आपने क्या क्या अपने अब तक पेन को फेस किया है अगर आपके पर्सन खुद उस जगह पे होते कभी भी ना इस मतलब के इस रिश्ते में आज तक ना होते ठीक है कब का मूव ऑन कर चुके होते हैं कब का आपको छोड़ चुके होते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा चुके होते हैं ठीक है कहीं न्यू बेकिंग कर चुके होते आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं गिव यूर रिलेशनशिप सेकेंड चांस ये पर्सन इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस देना चाहता है देखें सेकेंड चांस यू इस पर्सन की तरफ से क्योंकि मतलब कि इस रिश्ते को कभी आपके पार्टनर की तरफ से तो चांस दिया ही नहीं गया ठीक है लव योर सेल्फ फर्स्ट आपको कहा जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट सेल्फ लव करें अपने करें, आप को चूज करें अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है मेक द एफर्ट ये पर्सन कोई एफर्ट कर सकता है ठीक uh, uh, है ग्रेट लव वर्थिंग ये वर्थ है वर्थ टेकिंग द स्टेप योर गाइडेड टू ठीक है गाइडेड है ये पर्सन ठीक है को डिपेंडेंसी एनर्जी रही है आप लोग के ऊपर आप काफी ज्यादा इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंड रहे हैं आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे शायद आपके अंदर को डिपेंडेंसी रही है तभी इस रिश्ते में इतना सब कुछ क्रिएट हुआ ठीक है को डिपेंडेंसी एनर्जी से बाहर निकलें प्लेफुल एनर्जी में आए नॉर्मल रहें एक दूसरे को ना खोने का डर रखें ना पाने का डर रखें फेयरलेस होकर रिश्ते में आप लोग को आए ठीक है अगर ये पर्सन आता है तो फेयरलेस होकर रिश्ते में कदम रखें ना इतने सीरियस हों ना आप इतने कैजुअल रहें ठीक है केमिस्ट्री है आप लोग के बीच बहुत ज्यादा मजबूत प्लेफुल एनर्जी लाने की कोशिश करें अगर बातें वगैरह होती हैं तो गेटिंग टू नो इच अदर आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे को सही से जाना ही नहीं है तो आप लोग एक दूसरे को जानें ठीक है आप लोग एक दूसरे को समझें क्योंकि यहाँ पर एंगेज शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें ठीक है दोबारा आप लोग का कनेक्शन अन करीब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें दोबारा इंगेज करें ठीक है मैं इस रिडी पर रखूंगी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और के लिए लाइक बटन दबाना मत बुले और इंस्टाग्राम को फॉलो करें लिंक मिलेगा आपको चैनल के चाल्ड मिले तो कम्युनिटी सेक्शन में थैंक यू